दोस्तों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं राजेश शर्मा। खंडवा बुधवार 17 अगस्त 2022 की अपडेट आपको बता रहा हूं। 2 माह से संस्कृत अंग्रेजी का एक भी पीरियड नहीं लगा है, बताइए आप दोस्तों। ये है स्कूलों की कंडीशन। मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों की भर्ती भी नहीं हुई है कई जगह, कहीं पोर्टल को लेकर दिक्कत है, काफ़ी परेशान है मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षक, काफ़ी परेशान है मध्य प्रदेश के स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे, और काफ़ी परेशान है दोस्तों उन बच्चों के माता पिता। पालकों ने स्कूल में हंगामा किया, बीओ को समस्याएं बताई। हाई स्कूल आप देख सकते हैं मेहमतपुर, और मैं पालकों का प्रदर्शन, बीओ बोले 5 दिन में सुचारू होगी व्यवस्थाएँ, भास्कर संवाददाता। और आप ये देख सकते हैं अपडेट, ग्राम मोहम्मद पूर्व के शासकीय हाई स्कूल में शिक्षणिक गतिविधियों की कमी को लेकर मंगलवार को पालक पहुंचे, प्राचार्य को हटाने की मांग करते हुए हंगामा किया। सूचना पर गोगावा बीओ ने पहुंचकर पालकों से चर्चा कर व्यवस्थाएं सुधारने का आश्वासन दिया। बीओ को दिए ज्ञापन में पालक नरेंद्र सिंह चौहान, नीतेश जादम, महबूब अली, सैयद विक्रम सिंह चुड़ावत, लाखन सिंह चौहान आदि ने कहा, अंग्रेजों के शासन काल में इस स्कूल को जिले के पहले मिडिल स्कूल होने का गौरव मिला था। यहाँ से शिक्षा पाकर कई नेता, अधिकारी व कर्मचारी बने हैं, लेकिन वर्तमान में प्राचार्य की मनमानी को चलते शिक्षा का स्तर काफ़ी गिर चुका है। शिक्षा सत्र शुरू हुए 2 माह बीत चुके हैं, लेकिन हाई स्कूल में अंग्रेजी व संस्कृत के शिक्षक नहीं है। 10 दिन बाद त्रिमासिक परीक्षाएं, क्या लिखेंगे बच्चे? बच्चों ने कहा, अब तक अंग्रेजी व संस्कृत का पीरियड नहीं लगा है, 10 दिन बाद त्रिमासिक परीक्षा शुरू होने वाली है, हम परीक्षा में क्या लिखेंगे? अब तक पुस्तकें भी नहीं मिली हैं। प्रभारी प्राचार्य को समस्याएं बताते हैं तो जल्द निराकरण की बात कही जाती है, लेकिन अब तक समाधान नहीं हुआ है। नहीं है, बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। स्कूल प्रशासन अतिथि शिक्षकों की भर्ती भी नहीं कर रहा है। प्राचार्य से बात करने पर अभद्र व्यवहार कर भगा दिया जाता है। पालकों को धमकाया जाता है, प्राचार्य को हटाकर अन्य शिक्षक को प्रभार दिया जाए, अतिथि शिक्षक की व्यवस्था कर अंग्रेजी व संस्कृत की पढ़ाई शुरू करवाई जाए, सुनवाई नहीं होने पर कलेक्टर को अवगत करवाया जाएगा, साथ ही पालक आंदोलन के लिए मजबूर होंगे। बीओ राहुल पाध्ये ने कहा कि 5 दिन में स्कूल की सारी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चलेंगी। दोस्तों अपडेट था, बहुत सी ऐसी दिक्कतें परेशानियां हैं, लेकिन लाइव स्ट्रीम कर सकता हूं, बने रहिए चैनल पर और वीडियो को देखते रहिए। दोस्तों जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।